14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर? फिर उनकी दोनों में रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से जा। यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी तरह आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। In January 2018, 10 rapes in 10 days in Haryana seemed to shock everyone. And once again, सबने पूछा, इतने rapes क्यों होते हैं यार? घटना ये बार बार हो रही है और होती रहेंगी आगे भी, क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। Say hello to rape culture. Social attitudes that normalize rape, we've got plenty. The first pillar of rape culture is blame the victim. It's your fault. Always your fault. Jeans ki pant pehen ke chalti hain to ladkon ko aise aakarshit hote hain unko dekh ke. तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। है दोनों का है, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं आपको कैसे बात करूं? अचानक कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता, बगैर रजामंदी से कोई बात नहीं कर सकता। कोई किसी से डायरेक्टर बात करेगा? अगर लड़की की सहमति नहीं होगी तो नहीं करेगा। भैया ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? That deserves a slow clap, but I'd rather not, because clapping is what a lot of people in Haryana seem to compare rape to. एक आंसे ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना इधर ताली नहीं बजती एक आंसे। This is Haryana's Mankawas village. Days after a 17-year-old girl was raped here, but even as she recovered from her injuries in hospital, her neighbors questioned her character and blamed her for getting raped. देखो जी, ये बलात्कार नहीं है, लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देती है, ये कौन सा कानून है? लड़के का भी गलती होता है इसमें, एक लड़के की अकेले की गलती नहीं हो सकती। ये भी आए गुड़िया से दूसरा होना क्यों लिया? मारो बाप बेटी मेरे को संबंध है, है? और मैं गलत सामते देखो तो मुँह पर मारे थप्पड़े, और मुँह पर नहीं थप्पड़ मारेगी तो दूसरों मार देखो। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर? फिर उनकी दोनों में रजाबंदी। मियां बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकात जी, बिचला क्या करेगा? Just in case you've forgotten, they're talking about how a woman consents to being raped. And when they're not denying the rape, they're blaming the victim for it. पंचायती कानून दोनों को सजा देती थी, लड़के को और लड़की को भी। और ऐसा कानून, ये सरकारी कानून है, लड़के वाला फंस जाता है, लड़की वाला फ्री हो जाता है। You see, not everyone likes how India's rape laws work. Next up on the rape culture checklist, our honor lies in your vagina, aka control the women. If you manage to get born as a girl in Haryana, and trust me, it's getting tougher, sex ratios dropped from 866 to 831. But yeah, as I was saying, if you do manage to get born, agency leaves your newborn body faster than you can shout patriarchy. And before you know it, your vagina becomes a site of honor. The site of your entire family's honor. Gents mein aur ladies mein farak hota hai taakat ke andar. Theek hai? Wo apne aap pe ko kamzor samajhti hai. Sochti hai ki main meri shamad mein bejzti na ho jaye. Kahin mere ko meri sasural wale ya maike wale ya kuch kehna de. Theek hai? वो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हैं और वो अपने आप को बचा बचा के रखती है।
और जो उसकी वास्तविक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाती है। ऑनर मेक्स पीपल डू वियर्ड थिंग्स इन हरियाणा लाइक किल देयर ओन फैमिली। लड़की की इज्जत होती है ना घर की इज्जत है भाई। लड़की लड़का का इज्जत नहीं होता। लड़की की अलग बात होती है सर। लड़का अगर लड़का लड़की का काफी डिफरेंस होता है। करके आएगा तो घर वाले डांट देंगे और कुछ देंगे। लड़की कुछ करके आएगी ना तो सारी बदनामी घर वालों की होती है। लड़की की ज्यादा बोलते हैं। लड़की अपने मत से तो कर रही है तो अपना उसका इज्जत कहां जा रहा है। वो तो नहीं मानते ना तो उसके पास ही वो तो नहीं मानते ना। वो सोचते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कर लिया। लड़की करती है तो गलत है, लड़के करते हैं तो सही है। तो बस उनकी थिंकिंग ऐसी है। बहुत गुस्सा आता है। बेसिकली ऑनर इज लाइक अ चीट कोड टू कंट्रोल वुमेन। इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर ऑनर मेन कैन डू एनीथिंग दे वांट। डिमिनिश देयर एजेंसी, मेक देयर डिसीजंस, कंट्रोल देयर लाइव्स। जितनी मेरे भाई है ना उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती। किस मामले में? किसी भी मामले में अगर मैं कुछ किसी मामले में अपने घर में बोलूं तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे। तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब भी तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर पे रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यप, दैट्स हाउ इनग्रेन्ड ऑनर इज इन पीपल्स माइंड्स। मर्द तो ऊपर ही होगा, जनानी तो नीचे ही आ गया, चाहे किसी ये बड़ी हो किसी ये नीचे। पढ़ाई करने के बाद भी बराबर का हो गया हक। ये आप सोच ऐसी ना रखें क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है। हमें लगता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर है। किसी भी चीज में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हो सकती। लड़कियों लड़कों से बराबर है? नहीं, सॉरी बराबर है। अच्छा, बल्कि लड़कों से भी ज्यादा ऊपर है। अच्छा, इसलिए कह रहे थे बराबर नहीं है। बट आर वी रियली टीचिंग देम दैट? A khab directed girls older than 10 years to not wear jeans and not use mobile phones. Because apparently, wearing provocative clothing like jeans invite attention and ultimately lead to rapes. बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों का भी गलती रहती है। आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। द सर्व खाब जाट पंचायत सेड गर्ल्स शुड बी मैरिड एट द एज ऑफ 16 सो दैट दे डोंट नीड टू गो एल्सवेयर फॉर देयर सेक्सुअल नीड्स। दिस वे रेप्स विल नॉट अकर। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है कि वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाती हैं, बाद में मतलब उनमें बुरी संगत का वो होता है, असर होता है। There's no dearth of things to blame for rape. From a khap leader blaming chow mein to a former chief minister saying child marriages are the remedy. From friendship causing rape के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए और फिर हमारी फ्रेंडशिप का फायदा उठाते हैं लड़के। टू अक्यूजिंग वुमेन ऑफ टॉकिंग मेन इनटू रेपिंग देम। लड़कियों की ये गलती रहती है, लड़की है ना जैसे जाती है तो है ना वो ज्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब तो रेप होया है। एवरीथिंग इन हरियाणा कैन बी ब्लेम्ड फॉर रेप एक्सेप्ट the rapists and the state's rape culture. Well, this is what we teach. 90% ladkiyan sehmati se jati hain, aage apradhi pravritti ke log mil jate hain jo avash ka shikar hote hain, to 90% ladkiyan jati sehmati se hain aur aage jaake apradhi vyakti mil jate hain. Ek aaj se taali nahi bajti, jonnu bajde hain jis bajde se ya yo se kehna mera. This is what they learn. लड़के और लड़की दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है, दोनों की बराबर गलती होती है। Where social attitudes are such, where the victim is blamed, the woman controlled, her consent ignored, her choice rejected, where tradition breaks the law, but we teach them to the young, is it any surprise then that rape is deemed consensual? And it's not just the story of Haryana. It happens in all of India. In Maharashtra, the victim blaming. In Tamil Nadu, the honor killing. In Uttar Pradesh, the rule of the khap. And our leaders
wherever they are. कहीं पे शकर गिरी होगी तो चींटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता। The list goes on. Sure, rape culture may seem more pervasive in some places, more evident on certain faces, but make no mistake, it is all around us. So the next time you ask, इतने रेप्स क्यों होते हैं यार? Remind yourself that the answer is right here, staring you in the face. औरतें डरते रहती हैं। क्यों? किससे डरती हैं औरतें? दुनिया से। If you love The Quint and want to keep seeing more of us on Facebook, click on follow, then see first, and you'll never miss us on your timeline.